तो ये है बीच बो शुभ का माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज का थंबनेल, जिसको कि आज हम लीक लेट करके और भी मस्त बनाने वाले। तो बिना किसी देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें चाहिए बीच बो शुभ की माइनक्राफ्ट की स्किन। सेकंड, हमें क्रिएट करना एक न्यू ब्रांड न्यू वर्ल्ड क्रिएटिव के साथ। और थर्ड, हमें जाना एक प्लेन जगह पे और उस पर लगाने एक ग्रीन कॉन्क्रीट ब्लॉक, जिससे कि ग्रीन स्क्रीन का काम करेगा, ग्रीन कॉन्क्रीट ब्लॉक, जिससे कि हम बैकग्राउंड इलेस कर सके। ओके, सो अभी ये लगाएंगे, फिर उसका डायमंड आर्मर को लेके उसको एनचेंट कर देंगे अच्छे से, उसके बाद एक अच्छा सा पोज देंगे और फिर एक क्लीन शॉट खींचने के बाद अभी हमें चाहिए एक घर। और वो घर क्यों बनाना है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले घर कंप्लीट कर लेते हैं। और एक घर में थोड़ी डेकोरेशन कर लेंगे हम अच्छी सी, और इधर बुक शेल्फ लगा के एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेंगे। सो वीडियो के लिए मतलब एक थंबनेल के लिए अच्छा बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। सो ये अच्छा बैकग्राउंड, इसका भी क्लीन शॉट। सो अभी जो हमने क्लीन शॉट लिए थे उनका बैकग्राउंड हमें इरेज करना है, फिर एक तबाही थंबनेल बना, फिर हम बैकग्राउंड को भी अच्छे से कट कर लेंगे और फिर हम जाएंगे पिक्सेल ऐप में और न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने का 3 डॉट में क्लिक करेंगे और इमेज साइज में क्लिक करने का यूट्यूब थंबनेल के इधर क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे इंपोर्ट में, इंपोर्ट में हम पहले इंपोर्ट करेंगे अपना बैकग्राउंड, उसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम लेंगे बीच बो शुभ का कैरेक्टर, सो उसको लेने के बाद उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे हम। ओके, सो अभी इधर हम लगाएंगे शेडो, जिसके लिए हम शेप्स में जाके एक शेप लेंगे और उसको ब्लैक कलर करके उस इलेजर में से एक गायब कर देंगे 2 डॉट, और इसको शेडो की तरह अच्छे से लग देंगे और उसकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम कर देंगे हम, जिससे एक शेडो की तरह बन जाए। फिर उसके बाद हम प्लेयर को आगे लेके आएंगे, जिससे कि शेडो बन जाए अच्छे से। और हमें चाहिए अभी एक डुप्लीकेट प्लेयर, इसको हम कलर देंगे वाइट कलर, जिससे कि एक बॉटल टाइप लग जाएगा लेकिन वो स्टोक नहीं होगा पूरी तरीके से। सो देख सकते हो तुम कितना एपिक लग रहा है अभी से। सो अभी हम एक ट्रायंगल लेंगे, वाइट ट्रायंगल, और इसको हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और फिर उसकी अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी सी कम कर लेंगे, जिससे कि ट्रांसपेरेंट टाइप दिखे। और ऐसे ही हमें बहुत सारे बनाने, सब हम बनाने के बाद मिलता तुम्हें। ओके, सो अभी हमें लेना है कुछ बूट्स के, एन्चेंटमेंट हेलमेट के, चेस्ट प्लेट के, लैंड पैंट के, जिससे कि हम एन्चेंटमेंट को दिखा सके कि ये इतना पावरफुल बनाए। सो अभी हमें लेना है बीच बो शुभ का कैरेक्टर, मतलब बीच बो शुभ का एक फ़ोटो, जिसको कि हम बैकग्राउंड इलेजर में इलेस करके एक अच्छी लुक देंगे और फिर उसको हम थंबनेल में एडजस्ट करके एक बहुत एपिक थंबनेल बना लेंगे। सो मुझे ये फोटो बहुत अच्छी लगी एंड की बीच बो शुभ की। सो हम इसको लेंगे अभी, सो अभी इसको फटाफट इलेस करते बैकग्राउंड को, और ये लेट हो चुकी है। अभी मुझे इंपोर्ट करना है उनका फ़ोटो। ओके, सो अभी फ़ोटो इंपोर्ट हो चुका है, अभी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा इसको एडजस्ट करने में, लेकिन फाइनली एक अच्छा सा फ़ोटो रेडी हो चुका है थंबनेल। बस इसमें माइनक्राफ्ट हार्डकोर डालना है और हम बीच बो शुभ के इधर स्टोक भी लगा देंगे, जिससे अच्छे दिखे। और इधर एक हार्डकोर का हट लेके उसको एडजस्ट कर देंगे, जिसके ऊपर हम लिखेंगे पार्ट का नेम। सो उनका पार्ट का नेम था 9, पार्ट मतलब पार्ट 9 था। सो हम 9 लेंगे और उसके बाद उसमें स्टोक वोक ऐड करके इसको हट पर एडजस्ट कर लेंगे। और फिर अभी हमें चाहिए कुछ, तो हाँ कुछ मिसिंग था, जिसमें कि हमें चाहिए एक टैक्स, जो कि उनके वीडियो में भी था उनके थंबनेल में। सो ओपी और इनका भी शेडो स्टोक सब ऑन करके इसको फॉन्ट ले लेंगे अच्छा सा और इसको एडजस्ट कर लेंगे। सो ये थंबनेल को अभी हम सेव इमेज पे जाके सेव कर लेंगे। सो ये है थंबनेल जो कि मैंने लीक क्रिएट किया है, और ये है जो कि बीच बो शुभ ने बनाया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ये वीडियो बीच बो शुभ तक पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।